बहुत दिनों से दिमाग का दिमाग खाली होने के कारण मैं कोई वीडियो नहीं बना पा रहा था। इसी बीच बहुत सी बकचोदियां हुई, बचपन का प्यार, इंस्टाग्राम रील्स जो कि हमेशा होता है, और गौरव जोन की चुदा, प्लस इन पति पत्नियों का गाना। तो मैंने अपनी जिंदगी के दो दिन सिर्फ इन्हीं बातों पर वेस्ट कर दिए कि मैं वीडियो किस पर बनाऊं और क्या बनाऊं, क्योंकि हमारी जिंदगी झाटू है, हमें दो तीन दिन में वीडियो डालनी ही डालनी पड़ती है। हमारा हिसाब कैरी पापा की तरह थोड़ी है जो कि साल भर में एक वीडियो डालते हैं उसके बाद करोड़ों कमा। ओए कैरी के बारे में कैसे बोल रहा है बेटी चो? पैसा है ठोके। तभी मैंने सोचा ईस्ट हो या वेस्ट, दीपक कलाल इज द बेस्ट। तो इससे पहले कि तुम लोग मुझे व्यूज देना बंद करो और मेरे मरे हुए चैनल की और अच्छे से खुदाई हो जाए, मैं चला गया ट्रेंडिंग सेक्शन पे कुछ ना कुछ ट्रेंड का ढूंढने, और सबसे ऊपर मुझे एक मिनट वाली बकचोदी के सिवाय कुछ भी नहीं मिला। वैसे थोड़ा बहुत तो मिला। गरीब वो दे सकता है जो एक अमीर नहीं, थंबनेल में भाभी की फोटो। खैर, जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ मैं स्टिल कंफ्यूज हूँ कि मुझे किस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि भले ही मेरे चाहने वाले थोड़े कम हो लेकिन है सारे अच्छे और समझदार लोग। इसलिए तुम लोग समझदार हो तो इस बार भी समझ जाओ कि मुझे व्यूज के लिए करना पड़ रहा है। खैर, इससे पहले हम और बकचोदी करें वो करेंगे हम इंट्रो के बाद। तो आज हम इसी बहाने से इंस्टा रील्स के चाहने वालों और देख के हिलाने वालों को मद्देनजर रखते हुए इस ट्रेंडिंग दुनिया में कदम रखते ही चप्पल को जूता बना डालेंगे, और उसके बाद सैसी पूनम की छोटी बहन नेहा सिंह की गंदी गेंद फाड़ेंगे। तो शुरू करने से पहले जगाते हैं अंदर परशुराम और करते हैं सादर प्रणाम। थैनोस भैया कहाँ चले गए आप? तो कैसे हो दोस्तों, क्या हाल चाल है तुम्हारे? जी हाँ, हम वापस आ चुके हैं फिर से उसी फील्ड में जिसमें हमें व्यूज बहुत तगड़े मिलते हैं लेकिन एक वीडियो के आने के बाद गायब हो जाते हैं। कोई बात नहीं, एक ही सही। तो आज हम फिर से बात करने वाले हैं सैसी पूनम और इसकी छोटी बहन से भी एक छोटी तिगड़ी बहन के बारे में। की तरफ दोस्तों, अब तो मेरी आदत हो गई है, भले ही कुछ भी यूनिक बना लूं देखना लोगों को यही है। तो हमारा भी यही है, सुबह खाना भेंट चो, शाम को खाना, रात में इंस्टाग्राम रील्स पे रोस्ट बनाना। साले कुत्तों की जिंदगी। तो नेहा सिंह एक लौती ऐसी इंस्टाग्राम मॉडल है जिसका ड्रीम उसके करंट फॉलोवर्स से डायरेक्ट 1 लाख ज्यादा फॉलोवर्स होने पे जस्टिफाई हो जाता है। अब ऐसी सोच रखने वाले इंसान से तुम क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो, या तो वो उछल उछल के अपनी फालतू की रील्स बनाएगा या फिर वही पुराने थर्ड क्लास जोक पे लाफिंग साउंड लगाएगा। प्यार हो गया है आपको हमसे? हंसू कहाँ, इनसे अच्छी कॉमेडी तो स्टोरी में लमा और लॉल डालने वाले कर लेते हैं। खैर, रियल में वो भी नहीं करते। और इसी टैलेंट की वजह से आपको इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन फॉलोवर्स आसानी से मिल जाते हैं, और यहाँ बहन के लौड़े पिछले 6 महीने से 1.5 लाख नहीं होके दे रहे। Q&A करवाना चाहते हो? नहीं, ये भी बेचारे थक गए हैं शेयर कर करके, कब तक ही शेयर करेंगे? शेयर करे हुए आदमी को वीडियो देखनी भी तो चाहिए ना, क्या बात है। दीदी एक बात सच बताना, चूतिया लिखा है क्या हमारे माथे पर? मैंने ऐसे इंस्टाग्राम पर बहुत सारे एज वाले रील्स देखे हैं जिसमें खासकर लड़कियां अपने व्यूअर्स से खुद की एज गेस करने को बोलती हैं। भले ही चेहरे से कैसी भी दिखती हूँ, बताती अपने आप को 16 साल से ऊपर का नहीं है। अरे आंटी जी, 16 साल का बताने से कुछ नहीं होगा, साल चलते चले जाते हैं, उम्र कहीं नहीं रुकती। ये बॉडी, ये फॉलोवर्स, ये शोहरत, सब कुछ एक ना एक दिन मिट्टी में मिलकर राख हो जाना है। जब बुढ़ापा आता है तो उम्र के साथ इंसान सठिया भी जाता है, फिर कुछ नहीं बचता, फिर तो लड़ाइयां ही होती हैं एक दूसरे की शक्ल को देख के बस। काया पे घमंड करने वाले बहुत होते हैं लेकिन काया एक तरह का माया जाल है। अब मैं ज्ञान क्यों बांटने लगा यहाँ पे? ऐसा मरूंगी ना द्वार में बिठाकर जाकर सीधा राम ज्यादा। और अगर तेरे मारने से पहले उसने आगे वाले डिस्क ब्रेक लगा दिए ना, तो दीवार का तो पता नहीं लेकिन चांद पे जरूर पहुंच जाएगी। तुम लोग मानोगे नहीं मेरी बात को, लेकिन आज से कुछ दिन पहले मैं दिल्ली गया था, वहाँ पे तुम्हें पता ही है कि पीछे वाले बंदे को भी हेलमेट पहन के बैठना पड़ता है। तो मैं और मेरा दोस्त सारे गाड़ी के कागज पूरे करके हेलमेट वेलमेट लगा के पूरा ढंग से दिल्ली गए, लेकिन दिल्ली जाते ही हमने क्या देखा, दिल्ली में जो लोकल वाले बंदे हैं वो बिना हेलमेट के घूम रहे हैं, खासकर लड़कियां, और उन्हें पुलिस इस तरीके से इग्नोर कर रही थी जैसे हम टिंडे की सब्जी को करते हैं। लिटरली मेरे सामने से एक लड़की निकली बहुत तेज स्कूटी चलाते हुए, और बाजू में खड़ी हुई ट्रैफिक पुलिस ने सिर्फ उसे इशारा दे दिया कि निकलो। समाज को संदेश देते हैं, उन्नति लाते हैं। काहे की उन्नति, पहले तुम लोग ढंग से इक्वालिटी तो लाओ, कल को इनके जैसी पीछे से लुढ़क के सड़क पे अगर गिर भी गई तो गलती भी आगे वाले की निकाल देंगे। जब लुढ़क गई ना तब भी यही बोलियो, छोड़ो भेंचो, तुमको क्या बोलना यार। तुम मानोगे नहीं भाई साहब, पुलिस वाला भी शक्ल देख के उस लड़की के ऐसे शर्मा रहा जैसे कोई होर की परी स्कूटी पर जा रही है। वो होर की परी नहीं, पापा की परी थी जो 80 की स्पीड पे हाईवे पे चला रही थी, जबकि अलाउड भी नहीं है दिल्ली में। हम कर रहे होते ना ऐसा तो बीच में कूद के खड़ा हो जाता और नंबर प्लेट की फोटो ले लेता।
इसके पूरे के पूरे इंस्टा अकाउंट में सिर्फ यही और यही भरा पड़ा है, मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है। साथ ही साथ ये सेकंड हैंड गवंडी भी हैं। गॉड इज रियली क्रिएटिव, आई मीन जस्ट लुक एट मी। अब इन इंस्टाग्राम वाली छोड़ियों का रोज एक एजेंडा रहता है कि सेम चीज आउटफिट में एक बार पहनेंगी, उसके बाद उससे 10 वीडियो और एक फोटो निकालेंगी। अब जैसे कि आप देख ही सकते हैं, सेम कलर में आपको डिफरेंट वीडियोस देखने को मिल जाएंगी और वो भी कभी कभार सेम ही गाने पे बन जाती हैं। तुझे थकान नहीं लग रही क्या? थकान तो मुझे लग रही थी उस मकौड़ी के साथ घर पे जाने के बाद, वो भी ऐसे ही इंस्टाग्राम पे दिन की 15 रील बनाया करती थी उछल उछल के। तो जब मैंने उसके घर पहुंचते ही उसे रिंग लाइट के सामने खड़ा हुआ देखा, मैंने तुरंत उसकी गांड पे लात मार के वहां से भाग आया और ऐसे ही खत्म हो गया मेरा 997वां रिश्ता। क्या बात है। तेरा अगर मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि पंछी बनो और हवा में उड़ो जरूर, लेकिन इतना भी मत उड़ो, ग्रेविटी नीचे खींच लेगी जरूर। तो बस आज के लिए बस इतना ही, जो था यहीं तक था। जैसे लोगों को चरस चाहिए ऐसी चाहिए मुझे रीच, एक वीडियो अपने मन और दो वीडियो दुनिया के मन की और व्यूज लूंगा खींच। तो ठीक है फिर, आशा करते हैं आपको पसंद आया। मेरे सब्सक्राइबर फिर से माइनस में जा रहे हैं, कोई बात नहीं, होता है, दुनिया है, क्या करें। इनकेस अगर ये चैनल नहीं रहा तो कहाँ पे कॉन्टेक्ट करोगे? डिस्कॉर्ड डिलीट कर चुका, ट्विटर चलाता नहीं, क्या बचा इंस्टाग्राम। तो फॉलो कर लो यार, करो करो ना, कर लो यार, इतने प्यार से कह रहा है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका अपने एब्सोल्यूट दुश्मन रुकी।